हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर चैनल। फिर से और एक नया ब्लॉग के साथ हम हाजिर हो गए हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट था कि ब्लॉग फिर से शुरू करने के लिए, तो हम भी सोच रहे थे कि हम बनारस में गए थे तो यादें ताज़ा है, कुछ घटना भी है तो आपके साथ शेयर करने के लिए। और क्यू टी पाई भी यहाँ पर है हमारे गप्पे सुनने के लिए, बनारस में क्या क्या हुआ था। डियर्स, आप लोगों को तो मालूम ही है हम पहले भी कई बार गए हैं और फिर से गए। क्यों? अन्नकूट जो था, हाँ, इस बार अन्नकूट पे पहले भी गए थे एक दिन। हाँ, एक बार अन्नकूट में पहले भी गए थे, इस बार अन्नकूट के लिए ही गए थे। तो लेकिन जो घटना आपको बोलने जा रहा है कि हमारे टिकट कॉन्फर्म नहीं था। हम आपको पहले बताएंगे कि हम बनारस जा रहे हैं, ये भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे टिकट कॉन्फर्म ही नहीं था। तो कब कन्फर्म हुआ? 4 घंटा पहले, यानी रात को 12 बजे का ट्रेन था, 4 घंटा पहले टिकट कन्फर्म हुआ और हम चल पड़े। हम गए थे काली पूजा के दिन। उस दिन मेरा फास्टिंग था क्योंकि यहाँ पर कलकत्ता में माँ काली के पूजा हम हर साल देते हैं, काली माता की पूजा। उस दिन हम फास्ट करते हैं, पर इस बार हमने नहीं की, पर इन्होंने की है और फास्ट था। उसके पहले, जाने से पहले माँ की मंदिर में जाकर पूजा देकर आई है। पूजा के देने के टाइम ही वो टिकट कन्फर्म हुआ। तो उसी टाइम हम लोग, नहीं, आपने उधर से फोन किए थे। हाँ, कालीघाट मंदिर से ही उनको फोन किए थे कि टिकट कन्फर्म हो गया, तो अब लगेज पैक कर लो। हाँ। तो उसके बाद हम माँ काली के पूजा देके आ गए और ट्रेन में चढ़ गए बनारस की ओर। जाने में कुछ दिक्कत ऐसे कुछ नहीं हुआ, बहुत शांति से आराम से हम हमारे ट्रेन का नाम क्या था, तो ये है टिकट उसी ट्रेन का। जाने के लिए हम गए थे जोधपुर एक्सप्रेस से, बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन है, बहुत ही पहले मानो कि 8.5 घंटे में हम हम दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय पहुंच गए थे। वहां से ऑटो लेकर हम पहुंचे बनारस। इस दौरान हमारा जो फेयर हुआ वो है, ये ट्रेन के है 800 रुपीज़, एक एक को 400 रुपीज़ करके, और वहाँ पर ऑटो जो था उसका है 50 रुपीज़ ईच। हम आ गए थे बनारस कैंट, वहाँ से फिर ऑटो पकड़ा, वो हमको ले गए हैं 20 रुपीज़ करके गिरजाघर। वहाँ पर हम ठहरे थे रॉकी गेस्ट हाउस। अगर किसी को उनका फ़ोन नंबर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, हमें ज़रूर आपको दे देंगे। तो हम करीबन 11 बजे रॉकी गेस्ट हाउस में पहुँच गए थे। वहाँ पर हमारे जान पहचान का था इसलिए पहले हम गए थे वहाँ पर, इस बार हम फोन नहीं किए। हाँ, और बुकिंग भी नहीं की। नहीं, और हम गए डायरेक्ट रॉकी गेस्ट हाउस, वहाँ पर घर बुक किए और फ्रेश होकर हम पहुँच गए बनारस, यानी महादेव के मंदिर यानी विश्वनाथ टेम्पल और माँ अन्नपूर्णा टेम्पल। उस दिन सोमवार था तो सोमवार बाबा की माथा में पानी तो देना ही था मुझे, तो उस दिन हमें अकेले गए। हाँ, उस दिन भी फर्स्ट थे। उस दिन भी मेरा फर्स्ट था, मैं फर्स्ट करके बाबा विश्वनाथ के माथा में पानी डाला और वहाँ पर हमें मिला माँ अन्नपूर्णा की प्रसाद। तो हमारे पास कुछ वीडियो है, अब देख लीजिए कैसे हम दुर्गा मंदिर पहुँचे। दुर्गा मंदिर से मेरा पुराना नाता है कि हम जब छोटे थे तब भी दुर्गा मंदिर में वो जो घंटा है वो बजने के टाइम में मेरा यहाँ पर एक कट हो गया था, तो उसी से याद है माँ दुर्गा के वो मंदिर। एकदम छोटे थे तब, 5 बरस ऐसे कुछ, 5 या 6 बरस ऐसे कुछ होगा। आइए, आती
हम वीडियो इतना ही खींच सका क्योंकि इसके आगे कैमरा ले जाना मना है। यहाँ पर पास में एक राधा गोविंद का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छे से तरीके से इसको सजाया है। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुर्गा मंदिर के बाद हम गए बजरंगबली यानी संकट मोचन की मंदिर। वहाँ पर हम कुछ फोटो नहीं खींच सका, तो वो हम नहीं दिखा सके आपको, लेकिन संकट मोचन होकर फिर उस दिन हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ। हम आ गए दशाश्वमेध घाट, वो गंगारती देखने के लिए। गंगारती फिर पहले भी आपको दिखाए थे, लेकिन इस बार गंगारती मैंने कुछ अच्छे तरीके से खींचा है, तो कुछ उसका झलक आप देख लीजिए। तो साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। लव यू गाइस।